नमस्कार आदाब, न्यूज़ क्लिप में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे, जहां जो देशव्यापी हड़ताल सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से आह्वान किया गया, उसके दूसरे दिन दिल्ली के आसपास सर्विस सेक्टर के और असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनका जमावड़ा लगाया है। और वो अपने हड़ताल के दूसरे दिन जो उनकी मांगे हैं उनको केंद्र सरकार के सामने और देश की संसद के सामने उठाने आए हैं। क्योंकि कल और आज सुबह जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल रही है देश भर में, या देश भर में जो अलग अलग जिले मुख्यालयों पे आज सर्विस सेक्टर के कर्मचारी पहुंचे हैं, इसी के तहत यहाँ भी मजदूर पहुंचे हैं। इनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं इनकी क्या है मांगे और ये हड़ताल इनके लिए कैसी रही और इसके आगे का रास्ता मजदूर आंदोलन का क्या होगा। केरला तक और इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक सभी, चाहे निजी संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, संगठित क्षेत्र का मजदूर हो, असंगठित का मजदूर हो या सर्विस सेक्टर हो, सभी जगह पर पूरे देश के अंदर जबरदस्त खबर आ रही है, सब जगह पर हड़ताल विरोध कार्रवाइयां एक्शन हुआ है। देखिए, दो दिन का हड़ताल जो संयुक्त ट्रेड यूनियनों की तरफ से तय किया गया था कि 28 को हम सभी इलाकों में स्ट्राइक करेंगे और 29 तारीख को हम लोग सेंट्रल प्रोग्राम करेंगे। हम लोगों ने देखा कि दिल्ली के जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, मतलब वो आप वज़ीरपुर कह लें, नॉर्थ का ओखला डिस्ट्रिक्ट कह लें या फिर समयपुर बादली कह लें, दिल्ली के हर एक इलाके में ज़बरदस्त स्ट्राइक इंश्योर हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली में जो फैक्ट्रीज के अलावा जो आप कहते हैं अस्पताल हो गए या फिर अन्य सेक्टर हो गए, वहाँ पर भी हमने देखा कि एक ज़बरदस्त स्ट्राइक हुआ। लोगों ने एक मतलब एक ज़बरदस्त मैसेज दिया। जो हमारा मांगे हैं उसमें जब मजदूर के चार ब्लैक काला कोट हटाने का मांग है, ऐसा ही किसानों का भी जो हमारा मांग है, जो हमारा सिर्फ तीन काला कानून वापस लिया, बाकी जो मांग हमारा है अभी भी MSP कानून नहीं हुआ, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पर बातल नहीं हुआ, अभी भी 750 परिवार को कॉम्पेंसेशन देने का कोई फैसला नहीं किया, 46,000 मुकदमा नहीं उठाया, और जो अजय टेनी जो मंत्री मर्डरर है उसके भी बर्खास्त नहीं हुआ, तो ये सब मांग बाकी है। देखिए, आमतौर पर असंगठित क्षेत्र के प्रदर्शन इलाका आधारित होते हैं। भवन निर्माण के बहुमत मजदूरों ने कल भी स्ट्राइक की है, आज भी स्ट्राइक की है, उसी तरह से रेड़ी पटरी का मजदूर बहुमत स्ट्राइक पे है, लोडिंग अनलोडिंग के साथ ही स्ट्राइक पे गए हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी स्ट्राइक पे गया है, ई रिक्शा के कुछ जगहों पे साथ ही स्ट्राइक पे गए हैं। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र इलाकों के स्तर पे अपने धरने प्रदर्शन छोटे मोटे गैदरिंग उन लोग करते हैं और उसी तरह से वो लोग इस हड़ताल में सम्मिलित हो रहे हैं। कारण यही है कि उनकी सामाजिक सुरक्षा को नए लेबर कोड में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है और अलग अलग जो उनकी बोर्ड्स हैं, जैसे भवन निर्माण बोर्ड के पैसे को केंद्र सरकार लेना चाहती है, हड़पना चाहती है, तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, गुस्सा है। कोरोना के समय में भी उनका रोज़गार ख़त्म हुआ था और अभी भी ठीक से शुरू नहीं हुआ है, तो इन तमाम कारणों के चलते असंगठित क्षेत्र के मजदूर कल भी हड़ताल में हैं और आज भी अलग अलग क्षेत्रों में हड़ताल में हैं, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में आएंगे। हमारे पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम, फिर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आ गई, किसानों की ज़मीन के साथ साथ पब्लिक सेक्टर ज़मीन को बेचने का इनका मसविदा सामने आ गया, तो जब सरकार उसी तरीके से बढ़ती चली जा रही है, ना महंगाई कंट्रोल कर रही है, ना नई जॉब्स का जनरेशन कर रही है, ना जो हमारी डिमांड है कि नई पेंशन स्कीम रद्द करो और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो, और ना ही वो हम लोगों की बात सुन रहे हैं कि हमने कहा था कि जो गरीब परिवार हैं उनमें 7500 रुपया आप दो, जो कोविंद में बहुत पीड़ित हुए, तो जब आप दावा कर रहे हैं कि 80 करोड़ के लगभग लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो परिवार वो हैं जिनको अनाज नहीं दोगे तो वो खा नहीं सकते, जी नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में 20-25 करोड़ के करीब फैमिलीज़ को इंगित करके वो पैसा देने की बात थी, सरकार उस पर नहीं मानी। अर्थतंत्र ध्वस्त हो रहा है, सरकार क्लेम कर रही है कि बढ़िया हो रहा है, और अंधाधुंध उन पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने में लगे हैं, इसलिए हम लोगों ने हड़ताल का आह्वान किया। और अभी 5 राज्यों में चुनावों को जीतने के बाद सरकार का रवैया वही का वही है, प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट घटा दिया, सरकार तो पैसे नहीं देती है, वर्कर का पैसा है। इसी के साथ साथ अगले ही दिन 11 तारीख को कैबिनेट का मीटिंग करके और कह दिया कि जितने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनकी जितनी ज़मीन है
उनका मापदंड लेना शुरू करो, यानी उसको भी बेचेंगे। मोनेटाइजेशन नहीं है, वो बेचना है, सरकार जो मर्जी नाम दे। तो उसके बाद इस हड़ताल में जोर और दिखा है कि सरकार LIC पे पॉलिसी ले आई, दो बैंकों को प्राइवेटाइज करने का ले आई, पब्लिक सेक्टर के ऊपर हमले को तेज कर दिया, उसकी ज़मीन को बेचने का निर्णय ले लिया। तो इसीलिए मजदूर में गुस्सा बढ़ा है और हड़ताल ज़्यादा मुस्तैदी से हुई है। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और जो सेक्टरल ट्रेड यूनियंस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, स्टील है, कोल है, या इस तरीके से जो भी सेक्टर्स हैं उनकी ट्रेड यूनियंस इसके अंदर शामिल है। और 500,000 बैंक एम्प्लाइज जो हैं, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर जो है लगभग 500,000 कर्मचारी अधिकारी जो हैं इस 2 दिन की हड़ताल के अंदर शामिल है। मुख्य मांगे जहां एक तरफ हमारे जो है वो सामूहिक मांगे हैं, उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड भी कुछ हमने मांगे जो हैं इस हड़ताल के लिए रखी हैं। जैसे जो सरकार का निर्णय बैंकों को प्राइवेटाइज करने का है उसका हम विरोध करते हैं, या जिस तरीके से लाखों कर्मचारियों को जो है ठेके पर लगाया गया है, एकमात्र कुछ हज़ार रुपये देकर के जो है उनका शोषण किया जाता है, उसका हम विरोध करते हैं, उनको रेगुलराइज करने की मांग करते हैं। निजीकरण को लेकर सरकार कहती है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, इसकी मशीनरी को और मॉडर्न करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जो जरूरी है। जैसे मर्जर हुआ है, मर्जर से कोई फायदा होता है? देखिए, मैंने अभी सुना था पार्लियामेंट के अंदर है, जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर सिंधिया जी, वो सरकार को जवाब दे रहे थे जो अपोजिशन को, कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर गलत था, ये मर्जर से कोई लाभ नहीं हुआ। तो कल को यही जवाब उनको जो है, कल को ये ना दिया जाए इन बैंकों का मर्जर का कोई लाभ नहीं है, ये गुणवत्ता का और प्राइवेटाइजेशन का कौन सा ऐसा डायरेक्ट संबंध है? देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर है उसका एक ही ध्येय, अधिक से अधिक लाभ कमाना, और जहाँ जहाँ वो कटौती कर सकता है वहाँ वो कटौती करता है अपने लाभ के उद्देश्य के लिए, उससे उसकी गुणवत्ता का वो प्रतीक नहीं बन जाता है। आपको अगर 25,000 रुपये की तनख्वाह मिलनी चाहिए, 5,000 दे दिए गए, 20,000 उसमें से जो है आपके कटौती कर दी गई, और फिर कहें जी ये 20,000 मेरे मुनाफे में आ गए, और वो कहें जी मेरा जो है वो वर्क एफिशिएंसी मेरी अधिक है, तो ऐसा कहीं भी कोई ऐसा मापदंड जो है वो नहीं है। इन प्राइवेट बैंकों के अंदर जिस तरीके से बहुत कम रेगुलराइज एम्प्लाइज रख करके और अधिकतर एम्प्लाइज ठेके पर रखे जाते हैं, और फिर ये कहा जाए कि मेरी वर्क एफिशिएंसी अधिक है, अगर इनकी वर्क एफिशिएंसी अधिक है तो अभी गुजरात के अंदर जो है लगभग 20-25,000 करोड़ का एक NPA हुआ है, और उसके अंदर अधिकतर प्राइवेट सेक्टर के बैंक शामिल हैं, चाहे ICICI बैंक हो या दूसरे HDFC बैंक हो या दूसरे बैंक हो। ये बड़ा सिंपल सी बात है कि जिस तरह से केंद्र सरकार अपनी नव उदारवाद की नीतियों को ज़्यादा मजबूती से लागू करने की कोशिश कर रही है, भारत के मजदूरों ने, भारत की मेहनत कश ने भी तय किया है कि वो अपने आंदोलन को आगे की तरफ लेके जाएंगे। ये एक दिन की हड़ताल से आगे बढ़ना, मल्टीपल डे स्ट्राइक में जाना आंदोलन का एक चरण आगे है। अब सरकार को तय करना है, वो अदालत के जरिए, वो सरकारी रिप्रेशन के जरिए इसको रोक नहीं सकती है, जो पूरा कोशिश कर रही है। ये मल्टीपल डे स्ट्राइक जो है ये अपने आप में एक चुनौती है सरकार को कि आप अपनी नीति को रोक दीजिए, जो मांगे हैं उनको मांग लीजिए, मजदूरों से, किसानों से बात कीजिए, अन्यथा ये 2 दिन मल्टीपल डे सांकेतिक है, इसके बाद मल्टीपल डेज की तरफ जाएंगे जो इंडेफिनेट होगा। तो अभी पीछे सरकार ने कोविड के टाइम पे हेल्थ वर्कर को बोला कि हेल्थ वर्कर जो हमारे एक अगुआ लड़ाकू संगठन है, और आप साथ ही देखोगे, आपने सरकार ने उनमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एक लागे हेल्थ में, हेल्थ जैसे एक समस्या ऐसे कि लोगों का कॉन्ट्रैक्ट, जिसको अपनी तनख्वाह का नहीं भरोसा, मुझे कल कितनी तनख्वाह मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी नौकरी रहेगी नहीं, वो क्या कैसे प्रकार हेल्थ में कैसे काम करेगा, उससे सरासर मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो पोस्टें हैं पोस्टें भरी नहीं जा रही, वर्कलोड इतना बढ़ा दिया है कि जहाँ 4 आदमियों को काम है एक आदमी को काम दिया जा रहा है, तो उसमें नेचुरली मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि जितने भी पोस्ट हैं, कम से कम जो पोस्ट खाली पोस्ट हैं, नई पोस्ट सर्जित जब तक नहीं होते तब तक उन पोस्टों को भरा जाए। जो न्यू पेंशन स्कीम जो है, पेंशन स्कीम खत्म की है, तो हम कहते हैं जब एक MP MLA एक शपथ लेते हैं उनका जो है पेंशन खड़ी हो जाती है, तो हमारे जिसने 30-35 साल मिनिमम सर्विस की है उसका पेंशन क्यों ना हो। तो हमारी सरकारों से इन मुद्दों को लेके
पोस्ट खाली पड़े इन मुद्दों को लेके कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के विरोध में हमारी मांग है, इसलिए हम हेल्थ वर्कर्स में आए। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में काम करती हूँ, 10 महीने हो गए हैं, कोविड खत्म हो गया है, इन लोगों को हमारी जरूरत खत्म हो गई तो हमें निकाला जा रहा है। हमारी बस हक की यही लड़ाई है, हमें क्यों निकाला जा रहा है? निकालना था तो हमें 3 मंथ से पहले ही निकाल, 3 मंथ के बाद निकालते, अब क्यों? अब हमारी जरूरत नहीं है तो हमें मतलब निकाल दिया जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, आप लोग 1 तारीख से मत आइएगा। हाँ जी, मॉर्निंग ड्यूटी है। हाँ जी, बोल के आए अपने अपने स्टाफ में सबको कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बातें हमारे साथ ये हो रहा है, हम लोग ऐसे स्ट्राइक करते रहेंगे, अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं सर, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, 4 बेटियाँ मेरी, अब मजबूरी में कोरोना में हमने, जबकि मैंने बीएड किया हुआ है, फिर भी मुझे ये जॉब इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, कोई काम नहीं था उस समय कोरोना के टाइम में, सारी जॉब्स वगैरह सारे ऑफिसेज बंद हो गए थे, इंस्टीट्यूट था मेरा वो भी बंद हो गया, तो इसलिए हमें कोविड के टाइम में भी हमने ये वाली जॉब की है, अपनी जान हथेली पे डाली क्योंकि आपको पता है घर में बच्चों को भी डर था होने का, और हो भी गया था हमें, कई बार ऐसा हुआ भी है कि हमें हो गया है कोरोना, लेकिन फिर भी हमने काम किया है। हाँ जी, हटा रही है, मतलब ये क्या गिफ्ट है, हमें ये गिफ्ट दिया जा रहा है, जबकि मोदी सरकार ने कहा था जो कोविड वॉरियर्स हैं उनको मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो हमें तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है कि हमें हटाया ही जा रहा है, और कुछ नहीं, बस सीधा यही बेनिफिट है कि इन लोगों को निकाला जाए। हड़ताल सरकार जो है बिल्कुल निरंकुश हो गई है, और बार बार संसद के अंदर बहुमत का तर्क दे करके कि लोग देश के अंदर बहुमत लोग हमारे साथ में हैं, इसलिए हम जो भी नीति चाहेंगे वो हम लागू करेंगे, जनता हमारे नीतियों के समर्थन में है। अभी मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे 4-5 राज्यों के चुनाव हुए तो सरकार बार बार इसी तर्क को देती है, महंगाई बढ़ाती है तो बोलती है जनता हमारे साथ में है, नए लेबर कोड लाते हैं तो बोलते हैं हमारे साथ में, अभी गैस का सिलेंडर भी कल सुनने में आया कि 1030 रुपये का हो गया, तो जितना भी आम जनता के ऊपर हमला है सरकार उसको जस्टिफाई करती है। हम ट्रेड यूनियन वाले ये कहते हैं कि ये लोग नहीं चाहते, चाहे महंगाई का मसला हो, चाहे वेजेस का मसला हो, चाहे वर्किंग आवर्स का मसला हो, चाहे जॉब सिक्योरिटी का मसला हो, ये जो फिक्स टर्म ला रहे हैं, स्थायी रोजगार ख़त्म कर रहे हैं, या जो बड़े बड़े सार्वजनिक संस्थान हैं उनको बेच रहे हैं, क्या देश की जनता उनसे सहमत है? नहीं। तो ये जो मैंडेट सरकार ने लिया, मैंडेट लिया था कुछ और बोल करके, और बाद में सरकार ये कहती है कि भाई हम जो है हमें तो मैंडेट मिला है हम तो लागू करेंगे, तो ट्रेड यूनियंस ने आज इसलिए हड़ताल किया है कि नहीं, जन भावना अलग है, संसद से जिस प्रकार से धक्काशाही तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार लगातार बिल पे बिल पास कर रही है, पहले किसानों के संबंध में फिर मजदूरों के संबंध में, वो देश के मेहनतकशों को किसानों को मंजूर नहीं है, इसलिए हड़ताल की गई है। आम लोग धोबी घाट से आई हूँ, 2 नंबर गली से, हमारा समस्या ये है झुग्गी लेकर के है, अरविंद केजरीवाल बोला वोट लेने के टाइम में जहाँ चुकी वहाँ मकान, 3 बार ने अरविंद केजरीवाल को जिताई, और वो अरविंद केजरीवाल ने 2.5 साल से झुग्गी तोड़ रहा है, बार बार टॉर्चर कर रहा है, एक बार भी MLA देखने नहीं आ रहा कि गरीब का क्या स्थिति है, क्या हाल है। अरविंद केजरीवाल के घर जाते हैं, MLA के घर जाते हैं, अमानत का घर बंद कर लेता है, अंदर से बाहर नहीं निकलता है, उसका हल चाहिए, और हमारे हक के लिए हक से हक साथ दो और लड़ाई करो।